A very warm good morning, everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your EBS teacher. Beta, today we will take test. Okay, मैम ने आपको पहले ही कहा था कि मैम आपका टेस्ट लेंगी और आज हमारा टेस्ट है. ये टेस्ट बेटा हमारा 10 मार्क्स का होगा, जिसमें से 2.5 मार्क्स के आपके फिलअप्स होंगे, 2.5 मार्क्स के आपकी ट्रू फॉल्स होंगे एंड 5 मार्क्स की आपके 5 क्वेश्चन होंगे. पर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, ठीक है. तो ये आपको करना है. उसके बाद मैम आपको एक आंसर शीट भेजेंगी, उसमें से आपको चेक करना है कि आपके कितने आंसर राइट हैं और कितने रॉन्ग. आप अपने आंसर के सेल्फ मार्क्स देंगे, क्लियर. तो आपको अपनी आंसर शीट चेक करनी है, मैम आपको आंसर्स सेंड करेंगे, ठीक है. तो ये क्वेश्चन पेपर आपको कितनी देर में करना है, इसके लिए टाइमिंग है आपका हाफ आवर. कितनी देर का टाइमिंग है? हाफ आवर का. तो हाफ आवर में आपको ये क्वेश्चन पेपर करना है, क्लियर. देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर डेट, देन क्लास टेस्ट, देन राइट टेस्ट. क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स. पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है. मदर्स फैमिली इज द डैश फैमिली. मदर की फैमिली कौन सी फैमिली कहलाती है? द मदर्स फीड द बेबी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ऑल. क्या आएगा इधर, वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है. ये भी हाफ मार्क्स का है. वी शेयर आर डैश एंड डैश विद आर फैमिली मेम्बर्स. हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या शेयर करते हैं? ये देखिए बेटा, 2 आंसर्स राइट करने हैं आपको, तो ये 1 मार्क्स का है. वी मीट आर डैश फैमिली ऑन स्पेशल ओकेजन्स. हम अपनी फैमिली से, कौन सी फैमिली से स्पेशल ओकेजन्स पे मिलते हैं, ये आपको राइट करना है. हाफ मार्क्स का ये है, क्लियर. सो ये 4 क्वेश्चंस हैं और इसमें 5 फिलअप्स करने हैं आपको, तो ये टोटल हुआ 2.5 मार्क्स का, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 इज मीटिंग फैमिली मेंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. फैमिली मेंबर्स की मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जो भी है आप यहाँ राइट करेंगे. अ फैमिली प्लेज मैनी रोल्स. फैमिली बहुत तरह के रोल्स निभाती हैं. मैम ने आपको पढ़ाया था, स्टडी करवाई थी ना ये, तो क्या निभाती हैं, बहुत सारे रोल्स करती है फैमिली, फैमिली मेंबर्स. तो यहाँ राइट करना है आपको, अ बेबी कम्स फ्रॉम इट्स मदर बॉडी. क्या बेबी अपनी मदर की बॉडी में से आता है? ट्रू और फॉल्स. राइट हियर, आर अपीयरेंस एंड हैबिट्स चेंज विद एज एंड टाइम. हमारी जो आदतें हैं वो समय के साथ और एज के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है. ट्रू है और फॉल्स है. मीटिंग फैमिली मेंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. फैमिली मेंबर्स की मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती. सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो गया है. सो कोई बात नहीं, आप इसको 2 टाइम्स कर दीजिएगा, ओके. तो ये आपके हाफ हाफ मार्क्स के हैं. इस तरीके से आपके ये 2.5 मार्क्स के हुए. नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज अडॉप्शन? मैम ने आपको बताया था अडॉप्शन क्या होता है. अडॉप्शन मतलब अडॉप्ट करना, अडॉप्ट करना. बेबी को बॉर्न नहीं करते, उसमें बेबी दूसरे बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं और वो उसके पेरेंट्स बन जाते हैं. फिर वो बच्चा हमेशा के लिए उस फैमिली का मेंबर बन जाता है. करवाया था, तो आपको ये लिखना है व्हाट इज़ अडॉप्शन. अडॉप्शन क्या होता है, ओके. सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर फोस्टर पेरेंट्स. फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं? मैम ने आपको ये भी बताया था कि अडॉप्शन में जब अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर वो परमानेंट पेरेंट्स बन जाते हैं.
वो हमेशा लीगली उसके उस बच्चे के पेरेंट्स बन जाते हैं। लेकिन फोस्टर पेरेंट्स में क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो बेबी को अपने पास लेते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ मंथ के लिए या कुछ ईयर्स के लिए, बट परमानेंट नहीं, हमेशा के लिए नहीं। वॉट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली? एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, क्या होती है एक्सटेंडेड फैमिली? मैंने बताया था इसका सेकंड नेम जॉइंट फैमिली भी होता है, बताया था ना। तो व्हाट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली? एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज़ एन इमीडिएट फैमिली? इमीडिएट फैमिली क्या होती है? इमीडिएट, नेम से ही पता लग रहा है, इमीडिएट मतलब अभी अभी, जो फैमिली अभी बनी हो, इट मीन्स न्यूक्लियर फैमिली। इसका सेकेंड नेम क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। तो वो फैमिली जो अभी बनी हो उसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। तो व्हाट इज़ एन इमीडिएट फैमिली? इमीडिएट फैमिली क्या होती है, कौन रहते हैं इमीडिएट फैमिली में? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। तो एक बार मैम आपको इसलिए रिवाइज़ करवा रहे हैं कि ठीक है आपका इस तरीके से रिविज़न हो जाएगा और फिर आप इसको सेल्फ करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ एन इमीडिएट फैमिली? इमीडिएट फैमिली में पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लिव टुगेदर। व्हाट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली? जहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन्स लिव टुगेदर, तो वो क्या होती है? एक्सटेंडेड फैमिली। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द ह्यूमन बेबी कम फ्रॉम? ह्यूमन बेबी कहाँ से आता है, कहाँ से आता है ह्यूमन बेबी? तो वो हमें इसमें राइट डाउन करना है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन पेपर करना है, देन मैम आपको आंसर शीट सेंड कर देंगी, आपको वो चेक करनी है। थैंक्स बेटा।